बॉलीवुड से आई एक और दुखद खबर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता श्री चंद्रशेखर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम तक ये खबर सबसे पहले पहुंचाई शाश्वत आचार्य ने, जो कि हमारे रेगुलर साथी हैं और हमारे हर वीडियो पे कमेंट भी करते हैं। थैंक यू शाश्वत। श्री चंद्रशेखर जी 97 ईयर्स के हो चुके थे और मैं यही सोचता था कि एक दिलीप कुमार और एक श्री चंद्रशेखर जी, ये दो एक्टर्स ऐसे हैं जो कि बॉलीवुड के सबसे सीनियर मोस्ट एक्टर हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं चंद्रशेखर जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था जो कि उन्होंने आज से करीब 15 साल पहले रिकॉर्ड किया था। तब वो 84 ईयर्स के थे और तब उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत यंग हैं और एकदम फिट हैं। चंद्रशेखर जी के बेटे अशोक शेखर जी ने कहा है कि चंद्रशेखर जी कई दिनों से बीमार चल रहे थे और घर में ही थे। आज सुबह यानी कि 16 जून सुबह 7 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। वो बिस्तर में सो रहे थे और सोते ही रह गए। ये भी एक कमाल की बात है कि श्री चंद्रशेखर जी यही चाहते थे कि उनकी आखिरी सांस सोते हुए आए और सब घर वालों के साथ में आए, और वैसा ही हुआ। वो जब रात को सोए तो सुबह को सोते ही रह गए, बस अपनी यादें छोड़ गए और बहुत सारी फिल्में छोड़ गए जिनको देखकर हम उनको याद कर सकते हैं। चंद्रशेखर जी ने 50 के स्टार्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की और 1954 में उन्होंने पहली फिल्म साइन की। पहली फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था सुरंग। उसमें उन्होंने पहली बार एज ए लीड रोल काम किया। उसके बाद तो उनकी फिल्मों का सिलसिला चलता ही रहा। सीरियल रामायण में भी उनको देखा गया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी ने अपने पूरे करियर में करीब 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं बरसात की एक रात, फैशन, गेटवे ऑफ इंडिया, जिसमें उनके काम को बहुत बहुत पसंद किया गया। चंद्रशेखर जी ने 1985 से लेकर 1996 तक सिंटा में भी काम किया। वहाँ पर वो एज ए अध्यक्ष रहे सिंटा यानी सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में। वहाँ पर अपना काफ़ी योगदान दिया। चंद्रशेखर जी टीवी एक्टर शक्ति अरोड़ा के दादाजी थे और 2019 में शक्ति अरोड़ा ने ये फ़ोटो शेयर करके लिखा भी था कि मेरे दादाजी की सबसे बेहतरीन मुस्कुराहट। आज चंद्रशेखर जी तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक कामयाब और हंसती खेलती ज़िंदगी और बहुत बड़ा फिल्मों का सफ़र। हमारी तरफ से उनको ये एक भावभीनी श्रद्धांजलि। हमारी यादों में वो हमेशा रहेंगे और हम दुआ करेंगे कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें और हम सबके दिलों में रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बस आज के लिए इतना ही।